पालिका के साफ सफाई कराए जाने की दावों की पोल खुल गई है। हद तो तब हो गई जब डोमनपुरा मोहल्ले में नगर पालिका से होने वाली पानी की सप्लाई में नाले के जरिए कुर्बानी का खून वाला पानी दो दर्जन घरों में जा पहुंचा। तस्वीरों को देखिए, इस खूनी पानी को देखकर सभी लोग दंग रह गए। पूरे मोहल्ले में ये चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग नगर पालिका को जमकर कोस रहे हैं। नगर पालिका की वाटर सप्लाई से निकलने वाले खूनी पानी ने नगर पालिका की पोल खोलकर रख दी और इसकी वजह बीमारियों के फैलने का भी डर बना हुआ है। कितने लोगों का इस गली से पाइप गया कनेक्शन है, सारे लोगों के वहाँ जो गंदा पानी है। कितने लोग घर में आ रहे हैं? कम से कम 25-30 लोगों घर में आ रहा है और ये बराबर हर 6 महीने 8 महीने पे होता है। पिछले वर्ष भी आया था लोगों की टंकी में लाल पानी। किसी ने कनेक्शन किसी का सड़ गया है और नाली पे शान कर रहा है, उसको तलाशने की बहुत कोशिश की। दिन भर हमारे नगर पालिका कर्मचारी लगे रहे, मिल नहीं पाया। 5-7 घरों में आ रहा था और वहाँ का पानी बंद कर दिया गया, बंद कर दिया गया है। जब तक न मिल जाए तब तक के लिए बंद कर दिया गया। तस्वीरों में आप देख रहे हैं किस तरीके से खूनी पानी यहां पर देखने को मिल रहा है। संवाददाता राकेश इस बीच हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। राकेश, घरों के अंदर खूनी पानी पहुंचना साफ तस्वीरें बता रही हैं, एकदम से लाल कलर का पानी, आखिर किसकी लापरवाही रही, किसकी जिम्मेदारी इन तस्वीरों के लिए? जी लक्ष्मी, आपको बता दें जहां पर हमारे मुख्यमंत्री का सख्त निर्देश था कि जो है कुर्बानी के जानवरों का खून जो किसी भी हालत में नालियों में न बहाया जाए, उसके ठीक उल्टे यहाँ के लोगों ने, यहाँ के स्थानीय बाशिंदों ने जो है खून को नालियों में बहाया, जिससे कहीं पे पाइपलाइन पट्टी हुई थी जिसके तहत वो खून जो है पानी की सप्लाई में आ गया और करीब 1 दर्जन से ज्यादा घरों में वह पानी सप्लाई हुई, जिससे काफी लोग प्रभावित भी हुए हैं और कुछ लोग बीमार पड़े हुए हैं। जब इस मामले में हमने चेयरमैन अरशद तैयब पालकी से बात की तो उन्होंने कहा कि नई शिकायत मिली थी, हमने ठीक करा दिया। जहाँ हमने उनसे इस बात पर पूछी कि जब योगी सरकार का सख्त निर्देश था कि खून किसी भी हालत में नाली में न बहाया जाए और ऐसे में आप क्या कहते हैं, तो उन्होंने इस पर कैमरे पर बोलने से मना कर दिया। जी लक्ष्मी, बहुत शुक्रिया राकेश सिंह इस पूरी बातचीत के लिए। तो साहब पर जवाब नहीं है, कैमरे से बचते हुए भी नजर आ रहे हैं। कुर्बानी का खूनी पानी मऊ में सप्लाई होता हुआ नजर आया है, घरों तक ये गंदा पानी पहुंचा है, लोगों में काफी हड़कंप देखने को मिला जिसके चलते नगर पालिका की साफ लापरवाही। बागपत से